इन सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी के साथ फिर आए हैं। तो हम चिकन करेला लेके आए हैं आपके लिए भरवा, और देख लीजिए उसके दोस्तों हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये बहुत टेस्टी बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। तो देखिए हमने ये करेले, ये छोटे छोटे करेले हमने भरवे के लिए लिए थे, तो ये हमने एक के दो कर लिए हैं ये देखिए। और इसे हमने नमक के पानी, नमक में नमक डाल के हमने इसे पूरी रात के लिए रख दिया था। तो अब ये हमने इसे धो दिया अच्छी तरह से, इससे हमारे जो करेले की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर नमक डाल के आप पूरी रात रख देंगे तो कड़वापना नहीं होगा। और ये हमारे देखिए पाव भर ये बोनलेस चिकन है जो हमने मिक्सी में चला लिया है वॉश करके। और ये हमने दो प्याज काट ली है चॉप करके, और देखिए दो टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है। एक चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक चम्मच हमने भुना ज़ीरा लिया है, एक चम्मच हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, एक चम्मच हमने चिकन मसाला लिया है ये गरम मसाला, एक चम्मच हमने धनिया पाउडर, और दो मिर्चें हमने हरी काटी हैं, और ये इमली ली है, ये हमने इमली का पल्प लिया है तो ये एक कटोरी लिया है। और इसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हैं। और एक चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच हमने मिर्च ली है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, तो इसलिए आधा चम्मच हमने मिर्च ली है। मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको, क्योंकि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। और ये देखिए हल्दी पाउडर लिया है हमने थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं हम चिकन करेला भरवा। और अब इसमें हमने तेल डाल दिया है, और ये तेल हमारा हो गया है। और अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे चॉप करी हुई, और देखिए ये प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी प्याज हो गई है आधी कच्ची आधी पक्की। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये देखिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, ये देखिए ये भी डाल देंगे हम इसमें, और ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे, ये ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये नमक मिर्च, और ये हल्दी, और ये हरी मिर्च भी, और देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हम। और अब इसे हम भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा मसाला भून गया है, इसमें तेल छोड़ दिया इसने। और अभी हम ये खटाई डाल देंगे इसमें, और खटाई डाल के हम दो मिनट के लिए इसे भूनेंगे। तो देखिए दो मिनट हमारे हो गए हैं, ये डाल देंगे इसका कीमा चिकन का, और अब इसको हम इसमें भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए हम इसे भून रहे हैं, तो ये देखिए हम ये गरम मसाला भी डाल देंगे, चिकन गरम मसाला, और अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये कीमा भून गया है, कीमा ये भून गया, फिर तेल छोड़ गया। और अब इसमें हम ये जो करेला है ये कीमा हम इस करेले में भरेंगे, और ये रील है इससे हम लपेटेंगे, तो आपको दिखाते हैं। एक बांध दिया है, और ये हमने छोटे छोटे करेले इसलिए लिए हैं, छोटे करेले इसलिए लिए हैं कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए ये हो गया है, और ये हम सब कीमा इसमें डाल देंगे, और देखिए हल्के आँच, तो देखिए ये हमने डाल दिया है, और ये हल्के आँच करके हम रख देंगे ताकि ये हमारे करेले गल जाएँ। फिर आटे के लिए हल्के आँच में रख दिया था हमने कनके, और ये हमारे करेले अच्छी तरह से गल गए हैं, और आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं। ये हमारे भरवा करेले, चिकन भरवा करेले बनके तैयार हो गए हैं। और तो देखिए दिखने में कितने, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में उतने ही यम्मी हैं ये। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।